तो ये इस इंजन की ग्रांट है। मैंने सेम टेस्ट क्रेटा 1.5 लीटर पेट्रोल में भी किया था। ये देखो इधर, ये 6वां गियर डाल दिया, जीरो की स्पीड है। आई होप आप सभी अपने घर पे ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं हूं आपका दोस्त कार्टून कार वाला, आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज है हमारे पास किया की ब्रांड न्यू सोनेट और ये टॉप एंड मॉडल से एक नंबर नीचे का HTX वेरिएंट है और ये डीजल मैनुअल 1.5 लीटर में गाड़ी है हमारे पास। आज के इस वीडियो में आई विल शो यू सिटी ड्राइविंग रिव्यू ऑफ दिस कार। व्हाइट LED लाइट है और सनरूफ भी हमें साथ में मिलती है इस गाड़ी के अंदर। वायरलेस एप्पल कारप्ले, जैसे कि मेरा फोन जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी का वायरलेस एप्पल कारप्ले यहाँ पे चल रहा है, आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे। तो ओवरऑल कार का जो फिट एंड फिनिश है काफ़ी बढ़िया, इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। पर आज की सारी वीडियो रहेगी डीजल के ऊपर कि डीजल का ये जो ड्राइव रिव्यू है 1.5 लीटर 6 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये सिटी में चलने में कैसा है। इसके अलावा आपने सिनेमैटिक में देखा कि इसके साथ में वेन्यू घड़ी थी 2023 की, जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला वेरिएंट है, ये भी लेटेस्ट वाली, आप देख लो दोनों को कंपैरिजन करके। दोनों सेम चेसी के ऊपर बनी है, सेम बॉडी के ऊपर बनी है, बस इनका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा वो अलग है। एंड यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ड्राइविंग की, तो फर्स्ट गियर डाला हुआ है गाड़ी का एंड ये देखो फर्स्ट गियर पर पिकअप देने लगा हूँ, सब आपके सामने है। सिटी के अंदर है ना, तो मैं आपको यहाँ पे हायर गियर्स पे दिखाऊंगा कि क्या मज़ा है इस गाड़ी को चलाने का। मैंने थर्ड गियर डाल दिया और ये देखो गाड़ी चल रही है। यहाँ पे मैं ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर ऑन कर लेता हूँ एंड DRVM, यस। तो एज यू कैन सी यहाँ पे DRVM ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर ऑन हो चुका है। तो पीछे का लुक अल्ट्रा वाइड एंगल वाला कैमरा मिलता है यहाँ पे, वाइड एंगल मतलब पूरी रोड यहाँ पे कवर कर रहा है ये। अब जैसे एक्टिवा आ रहा है तो मतलब सब क्लियर हो रहा है, यहाँ पे पूरा बढ़िया वाला व्यू दिखा रहे हैं। स्पीडोमीटर आपका डिजिटल है और यहाँ पे कलर्ड MID भी देखने को मिलता है, जहाँ पे आप माइलेज आप देख पा रहे हो। ये माइलेज अब तक की टोटल माइलेज है इस गाड़ी की, जैसे 2500 किलोमीटर चली है ना गाड़ी, तो अब तक की टोटल माइलेज है इसमें, हाईवे सिटी सब कुछ इंक्लूडेड है 18.2। और इंस्टेंटेनियस आप देख रहे हो अभी 30 की दे रही है, 30 की। यहीं पे मुझे सामने की तरफ एक वेन्यू दिख रही है, ये वेन्यू टर्बो पेट्रोल है, यानी कि 1000 CC वाला 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल है इस गाड़ी में, बट वो बिल्कुल डीजल वाली कॉस्ट का ही पड़ जाता है, बिल्कुल बराबर डीजल वाली कॉस्ट आ जाती है। एंड वहीं पे अगर मैं 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करूं, जो कि पेट्रोल वाला कापा इंजन है, वो सेम इंजन की टॉप स्पीड की वीडियो, ड्राइविंग परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ मैं डाल चुका हूं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर। मैं लिंक यहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, नहीं तो आप आई बटन दबा के वो देख भी सकते हो। अगर मैं दोस्तों ड्राइविंग की बात करूँ, तो अभी थर्ड गियर पर है ना, मैं यहाँ पर 6वां गियर डाल रहा हूँ गाड़ी का। ये 6वां गियर डाल दिया मैंने गाड़ी का, 36 की स्पीड है, क्लच से पूरा पैर उठा लिया, किसी भी तरह की कोई भी वाइब्रेशन नहीं आई है। गाड़ी मुझे कह रही है थर्ड गियर पे शिफ्ट कर लो, गाड़ी में गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आ रहा है, अगर जूम करके दिखा सकता है तो दिख रहे हैं ग्रीन से कलर का। अब ये कह रही है कि फोर्थ गियर पे शिफ्ट डाउन कर लो, तो मुझे गियर शिफ्ट इंडिकेटर काफ़ी अच्छा लगा। पर मैं अभी भी देखो सिर्फ ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ, मेरा ये पैर पीछे है ये वाला, और मैं गाड़ी अपने अब 6th गियर पे चल रही है और 50 की स्पीड पकड़ ली गाड़ी ने। अरे भाई साहब मेरे दोनों पैर पीछे हैं, गाड़ी 60 पे आ गई, ये तो भाग रही है यार। मैंने सेम टेस्ट क्रेटा 1.5 लीटर पेट्रोल में भी किया था। ये देखो इधर, ये 6वां गियर डाल दिया, जीरो की स्पीड है। मैं ये देखो एक पैर पीछे है और एक क्लच वाला पैर धीरे धीरे छोड़ूंगा मैं, धीरे धीरे ये धीरे धीरे मैं क्लच वाला पैर छोड़ रहा हूँ, देखो बंद होगी, ठीक है गुड, करें चल जाए यार, चल ही नहीं रही है। क्रेटा चल गई थी 1.5 लीटर 6वें गियर से। अब देखो स्टार्ट है वीडियो, हाँ जी, 2 की स्पीड। मैंने क्लच देखो आधा प्रेस करके रखा हुआ है अभी, ठीक है, काफ़ी धीरे है, मतलब ऐसे डस्ट का कोई फायदा ही नहीं है ऐसे तो। सेम ना क्रेटा की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहो तो मेरे चैनल पे ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो। 6वें गियर पे क्रेटा चली थी, ये देखो 16 की स्पीड आ गई, क्लच अभी दबाया हुआ है मैंने, आधा आधा क्लच अभी दबा हुआ है और ये वाला पैर मेरा पीछे है राइट वाला, और ये 28 पे आ गए हैं, 30 पे आ गए हैं, हल्की हल्की वाइब्रेशन आ रही है, मैंने क्लच से पूरा पैर उठा लिया और एक कार ने 6वें गियर से पिकअप ले लिया। मैं यहाँ पे इसे ना तो पास करने वाला हूँ ना ही फेल करने वाला हूँ, क्योंकि 3 बार बंद हुई
ऐसा करने से पहले। और जब मैंने क्रेटा में सेम टेस्ट किया था तो वो एक बार भी बंद नहीं हुई थी। अब जब गाड़ी को चला ही रहे हैं तो सिटी ड्राइविंग रिव्यू के साथ कार का एटमोसफेयर भी ज़रूरी होता है। ग्लोसी ब्लैक फिनिश और पूरा कनेक्टेड लगता है देखने में, काफ़ी अच्छी लुक लगती है प्रीमियम। एंड डैशबोर्ड की बात करूँ तो ये अपराइट है, आपको फील होगा कि आप एसयूवी में बैठे हो। हालांकि है तो ये सीडो एसयूवी, मतलब झूठी एसयूवी है, नाम की एसयूवी है, बट हाँ आपको फील होगा। और ये जो एलिमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं ना, दिस इज जस्ट फैंटास्टिक आई वुड से, कि लाइक ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा है, इतने अच्छे एलिमेंट। ये वाइट फिनिश दी है, 6 एयर बैग आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हालांकि एक चीज़ मुझे जो थोड़ी सी वो लगी बिट डिसअपॉइंटिंग, कि यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM प्रोवाइड नहीं करा, एंड यहाँ पे भी वैनिटी मिरर प्रोवाइड करा है पर विदाउट एनी वैनिटी लाइट, तो ये भी एक बुरी चीज़ है। वायरलेस मोबाइल चार्जर आपको नहीं मिलता, वेंटिलेटेड सीटें आपको नहीं मिलती इस गाड़ी में। अब देखो फर्स्ट गियर है ना, मैं फर्स्ट गियर पे तेज़ी से पिकअप देने लगा, ये देखा व्हील स्पिन। अब सेकेंड गियर से भी सेम चीज़ करूँ तो यहाँ पे भी ये देखो व्हील स्पिन करने का ट्राई कर रही थी अभी ना, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट ऑन हो गई थी, तो क्योंकि इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है तो व्हील स्पिन उसने रोक ली होने से। मैं अभी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर रहा हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया ना मैंने। अब देखो 20 की स्पीड पे हूँ मैं, नियर अबाउट 25 पे। मैं सेकेंड गियर से पिकअप दूंगा तो ये इस इंजन की ग्रांट है। थर्ड गियर से करके देखें ये चीज़, वाओ थर्ड गियर पे भी व्हील स्पिन दे रही है ये। अब फोर्थ गियर पे करके देखते हैं, फोर्थ गियर पे नहीं दिया, मतलब यार थर्ड गियर तक व्हील स्पिन दे रही है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ ना गाइस, तो वो थोड़ी सी स्टिफर साइड के ऊपर है, एंड जो यहाँ पे फिट एंड फिनिश है ना, ये वाली जो सिल्वर फिनिश है सेम BMW में, सेम स्कोडा में, सेम जर्मन गाड़ियों में देखने को मिलती है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे हॉर्न भी सुना देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे हाईवे आ गया तो थोड़ा सा ना मैं आपको पिकअप करके भी दिखा देता हूँ गाड़ी का। ये थर्ड गियर पे देखो मैं स्पीड दे रहा हूँ, ये देखो थर्ड गियर पे 4500 के RPM पे आ गए हैं, 120 की स्पीड पे, 121 थर्ड गियर पे देख लो, 120 की स्पीड है, दिख रही है यहाँ पे। अभी मैं आपको ब्रेक्स भी लगा के दिखा देता हूँ गाड़ी के कैसे हैं, ये देखो नाइस। एंड हैंडलिंग वगैरह तो बढ़िया है यार गाड़ी की, जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है ना काफी हैवी लगता है, मतलब ठीक लगता है, थोड़ा लगता है कि रिस्पॉन्सिव है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टाटा बाय बाय।